सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। देश में 2004 के लोकसभा चुनावों की गूंज थी, साथ में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे। इनमें से एक था आंध्र प्रदेश। यहाँ TDP के नेता और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के मंसूबे पाले हुए थे। उनके राज की एक सीट थी करीम नगर। इस लोकसभा सीट से BJP के वरिष्ठ नेता विद्यासागर राव चुनाव लड़ रहे थे। राव की सांसदी और TDP नेताओं की विधायकी के लिए वोट मांगने आ रही थी तेलुगु सिनेमा की उस वक्त की सबसे बड़ी हीरोइन सौंदर्या। वो कुछ ही वक्त पहले BJP में शामिल हुई थी। सौंदर्या उस वक्त बेंगलुरु में थी। दिन था 17 अप्रैल। उनके एयरक्राफ्ट ने जकूर एयरड्रोम से उड़ान भरी। साथ में 3 लोग और थे, छोटा भाई और तेलुगु फिल्मों का प्रोड्यूसर अमरनाथ। पापा की मौत के बाद सौंदर्या का सब फिल्मी काम वही संभालता था। उसके अलावा BJP के युवा नेता हिंदू जागरण वेदिका के लोकल मुखिया रमेश कदम भी थे। एयरक्राफ्ट के पायलट थे जॉय फिलिप। 4-सीटर सेस्ना 180 एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, 100 फीट ऊपर पहुंचकर क्लियरेंस लिया और फिर अगले ही सेकंड ये बुरी तरह हिलने लगा और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर धड़ाम से गिर गया नेशनल हाईवे 7 से महज 50 मीटर दूर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज से गांधी कृषि विज्ञान केंद्र मैदान में। वहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे, वो यात्रियों को बचाने के लिए एयरक्राफ्ट की तरफ लपके। 5 पहुंचे ही थे कि एक धमाका हुआ और सब तरफ तहस नहस हो गई। मजदूर बुरी तरीके का बेहद औचक और क्रूर ये अंत था, हर कोई अवाक। और जब पता चला कि वो माँ बनने वाली थी तो शायद ही कोई हो जिसकी रुलाई रुकी हो, पर रोने के बाद भी आँख देखती है, ये देखती है कि ज़िंदगी यूँ भी जी जाती है कभी। तमाम त्रासदियों में एक पन्ना जोड़कर सौंदर्या अगर जिंदा होती तो आज 48 साल की होती। सौंदर्या के बचपन का नाम था सौम्या सत्यनारायण। पैदाइश हुई खानों के लिए मशहूर कोलार में, सूबा कर्नाटक, तारीख 18 जुलाई 1972। बाबा KS सत्यनारायण कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे। उनका अपना कारोबार भी था। सौंदर्या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, पहला ही साल था तभी बाबा के एक दोस्त ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी, गंधर्व नाम की। सौंदर्या ने कहा कि करनी तो डॉक्टरी ही है तो फ़न के लिए ट्राई कर लेते हैं ये भी, मगर कुछ ही सालों में फ़न वितरित बन गया, डॉक्टरी पीछे छूट गई, एक्टिंग सेंटर स्टेज पर आ गई। एक्टिंग करियर के पीक पर रहते हुए सौंदर्या ने 2001 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से शादी कर ली थी। सौंदर्या इकलौती ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं और इंडस्ट्रियों में सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड डेब्यू उन्होंने 1999 में किया, वो फिल्म थी सूर्यवंशम। फिल्म फ्लॉप रही और सौंदर्या ने फिर बॉलीवुड का रुख नहीं किया। इस फिल्म का जिक्र अक्सर होता है, जोक्स में होता है, क्योंकि सेट मैक्स बार बार इसे दिखाता है और मुझे बार बार सौंदर्या दिखती हैं, उनका दैवी सा पवित्र सा रूप दिखता है, और फिर उनकी ज़िंदगी खत्म होने की खबर भी याद आती है। सौंदर्या ने रजनीकांत के साथ तमिल फिल्म पदियप्पा की, सुपरहिट रही। रजनीकांत की एक बेटी का नाम भी सौंदर्या है। ये दोनों रजनी अन्ना की बिटिया के बारे में भी बात करते होंगे क्या शूट के बीच। उन्होंने नागार्जुन के साथ तेलुगु में हेलो ब्रदर की, ये उस साल की सबसे बड़ी हिट थी। बाद में इसी नाम की फिल्म हिंदी में भी आई जिसमें सलमान खान भूत बन जाते हैं और तमाम मेल कैरेक्टर्स टिट्स नोचते नजर आते हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।